तो हेलो स्टूडेंट फ्रेंड्स, वेलकम है आज आपका वापस मेरी वीडियो में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपना आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन आज टॉपिक कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने इससे पहले बेंजीन कंपाउंड क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेटरोसाइक्लिक क्या होता है, वो सारे पढ़ लिए थे अपन ने। मैं आपको वो सारे उस वो वाला हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर इस वीडियो की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाकर उसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो चलो आज का अपन टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो वो करते हैं। अपना आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन करनी है अपने को सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। तो चलो देखते कैसे होगी। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा सिंगल होता है। ऐसे ये ऐसे बॉन्ड बनता है ना कहीं पे ऐसे, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसी को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, है ना। और पाई बॉन्ड मान लो कहीं पे दो बॉन्ड दे रखे होते हैं ना ऐसे, तो इसमें खासियत होती है एक पाई होगा ना तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है आपको, एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। और मान लो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिए ऐसे, तो इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। इसमें होगा वन सिग्मा वन पाई, इसमें होगा टू सिग्मा, क्या वन सिग्मा, सिग्मा हर जगह वन ही होंगे, टू पाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कब आ जाएगा फॉक्स लाइट के, एक मिनट रुको मैं चालू कर देता हूँ लाइट। अब सही है, हाँ। तो देख लो आपको आ गया होगा कैसे करा, मतलब सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलता है, सिंगल बॉन्ड को ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलता है ना। और ये सिंगल बॉन्ड है जैसे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और वैसे ही पाई बॉन्ड हो, कहीं पे पाई बॉन्ड पूछा हो तो डबल बॉन्ड होते हैं ना जहाँ पे भी, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो मैंने लिख दिया वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड। और इसी में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कहीं पे पूछा ट्रिपल बॉन्ड रखे हो, तो उसमें दो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। हर जगह सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा, चाहे पाई की वैल्यू वन और टू थ्री फोर कितनी भी हो जाए, पर सिग्मा एक ही रहेगा। और लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होता है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो कि कभी भी बॉन्डिंग कराते हैं ना अपन किसी भी एक्टअप की, उसमें पार्ट नहीं लेते, वो होते हैं बॉन्ड। वो जो पार्ट नहीं लेते वो होता है लोन पेयर, और जो पार्ट ले लेते बॉन्ड कराने में तो उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको एक बार नोट कर लें और चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अच्छे से समझना नहीं आया हो तो वापस बोल देना मेरे को, कमेंट कर देना जो भी आपको समझ नहीं आया हो। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो आपने कर लिया होगा यू नोट। चलो
मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो चलो अपन करते अपना दूसरा टॉपिक, मतलब कि अब अपन एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे को ऐसे दे रखा है, हमें इसमें क्या क्या पूछा आप देखना, एक मिनट बोर्ड हिल गया। बस मेरे से इसमें पूछा है सिग्मा बॉन्ड को ऐसे बोलते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड पूछा है, पाई बॉन्ड पूछा है और लोन पेयर बोले, तो अब मेरे को बतानी है तीनों चीज़। तो कैसे होगा, चलो अगर आप ट्राई करें, इसको अपन बोलते हैं फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। तो अगर आप ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। तो चलो मैं करवाता हूँ। इस इधर कार्बन है, इसके पास कितने बॉन्ड बना रही है, 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन की कमी है, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन इसको भी दे दिया, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, और ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 9। पाई बॉन्ड कितना है, मैंने बोला था जब भी डबल बॉन्ड में हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड 2 ही अपने पास, तो 2। और लोन पेयर कितना होगा, ये एक पेयर होता है, ये लोन पेयर का ये एक पेयर होता है, तो कितना होगा, 2। ऐसे करना है अपने को हर जगह। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा करते हैं, इसको एक बार नोट कर लें जल्दी से, इसको एक बार नोट कर लें जल्दी से, मैं वापस समझा देता हूँ आपको। चलो दूसरे एग्जांपल से समझेंगे इसको, नोट कर लें आप। अब मेरे को दे रखा है ये, मेरे को ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें बोले हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। अब ये तीन चीज़ें पूछी हैं मेरे से, अब आप निकाल लें फिर मैं बताता हूँ। आप पॉज करके निकालना वीडियो को, मैं चलो मैं बता दूँ। इस कार्बन के पास कितने कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 2, 1 2। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो 2 हाइड्रोजन इधर से, ऐसे ये बना रहा है 2 बॉन्ड, तो 2 ये बना लेगा, ये भी 2 बना रहा है तो 2 ये बना लेगा, है ना। अब ये यहाँ पे भी तो एक कार्बन है, ये कितने बना रहा है, 3, एक ये बना लेगा, वैसे ये भी 3 बना रहा है, एक ये बना लेगा, और ये भी 2 2 बना रहा है तो 2 2 ये बना लेंगे। हो गया, मैंने बना दिया सारे, आप कैलकुलेट करना है। सिंपल से ही पाई बॉन्ड होता है, आपको 0 दिख रहा है, लोन पेयर कितने दिख रहा है आपको, लोन पेयर दिख रहा है 8, क्योंकि देखो ना इस ऑक्सीजन के साथ कितना है, 1 2 3 4, इसके साथ कितना है, 1 2 3 4, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो 8 होता है ऑक्सीजन, तो 2 लोन पेयर ही हो गए, 2 लोन पेयर ही हो गए, वैसे इसके साथ हो रहा है,
दो लोन पे रही हो गए, दो लोन पे रही हो गए ना आठ। अब सिग्मा पॉइंट कितने इसमें, सिग्मा पॉइंट कितने, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसमें 27 सिग्मा पॉइंट है। तो आप देख ले बड़े से स्ट्रक्चर को, खुद से करने की, खुद करना एक बार, मेरे करने के बाद खुद भी करना, बस है ना, खुद भी करना एक बार। चलो दूसरा करते हैं अपन, दूसरा करें, चलो दूसरा करते हैं। मिनट, मतलब कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इसको याद रखना कि नाइट्रोजन हमेशा हमेशा वन लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन सल्फर और Se इसमें टू लोन पेयर होता है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसमें हमेशा तीन लोन पेयर होते हैं। ये हेलोजन्स होता है ना, हेलोजन्स में हमेशा तीन लोन पेयर होते हैं, ये हमेशा याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, देखो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है मेरे को, तो चलो पहले मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ, इसमें पहले मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ है ना, तो दो हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, इधर कितने लगेंगे, एक इक्वेटोरियल, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ है ना, यहाँ लग जाएगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा है ना, और एक मिनट, दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, इधर नहीं लगेगा, एक इधर लग जाएगा और एक इधर, वैसे ही एक मिनट, एक हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन ही है और एक हाइड्रोजन ही है, ऐसे लग जाएंगे इसमें हाइड्रोजन है ना, जितने भी हाइड्रोजन है अगर आप देख लेना, लगा दिए मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पर दो इसलिए लगाए क्योंकि 1, 2, 3, 4 ही हो जाते हैं ना फ्लोरिन के, आठ कन चार कंधे ना अपने, 1, 2, 3, 4 हो गए इसकी भी पूरी, इधर भी 1, 2, 3, 4 इसकी भी पूरी हो गई, 1, 2, 3, 4 इसकी भी पूरी हो गई, इधर इधर भी एक लगेगा, 1, 2, 3, 4 इसकी भी हो गई, इसकी सबकी हो गई है ना। अब इसमें मेरे को निकालना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ये तीनों निकालना सिग्मा बॉन्ड, देखते हैं चलो पहले कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मेरे पास मेरे सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं 33 है ना, और पाई बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है पाई बॉन्ड, मैंने बताया था डबल बॉन्ड में एक पाई सिग्मा होता है,
लोन पे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, फ्लोरीन 3 लोन पे बना था, तो एक फ्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, तो कितना हो गया 3 + 3 और ऑक्सीजन 2 बनाता है, एक एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 + 2 10 हो गया, तो इसमें लोन पर हो गया 10। देख लेना एक बार आप, मैंने करवा दिया अच्छे से, अब अपन नेक्स्ट चलते आगे। बस आपको हाइड्रोजन की नेमिंग करनी आनी चाहिए इस पूरे का, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं, आप जानते हो। बस इस बॉन्ड लाइन फार्मूले में आपको हाइड्रोजन की नेमिंग करनी आनी चाहिए, और बाकी तो आप सब कर दोगे। फिर तो कैलकुलेट ही करना है बस, जैसे एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ऐसे सब कर दोगे आप। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। बस एक मिनट, तो चलो अब अपन करेंगे जी एडवांस का क्वेश्चन। जी एडवांस का क्वेश्चन करेंगे तो यार सब तैयार हो जाना है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मैनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन। और स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ मैं आपको, एन चिन 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 एन, ये हो गया, हाँ हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। अब आप खुद ट्राई करें इसमें, मेरे को कमेंट में ना आप भी आंसर बताना एक बार, है ना। तो चलो अपन करते हैं। इधर से हाइट नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक इधर, तो मतलब 6, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो इसने बॉन्ड पेयर में दे दिए, तो 2 इसके ऊपर बचे, वैसे 2 इसके ऊपर बचे, वैसे इधर भी 1, 2, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 2 इधर बचे। ये भी देखो 3 बॉन्ड बना रहे तीनों, तो ये इधर बच गया, एक एक पेयर इधर बच गया, एक पेयर इधर बच गया। अब टोटल काउंट कर लो आप कितने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ गया। था ना इजी क्वेश्चन, था ना बहुत। देख लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते जेई में, तो आना चाहिए आपको। तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था, तो इतना इजी है बस लोन पे ये सब फाइंड करना, तो आप आई होप आपको ये आ गया होगा। तो अब अपन करेंगे ड्राइंग एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्मूले, मतलब अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप इसको और अच्छे से करें, और मतलब एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स में, तो आप उनको उधर से भी देखना और करना अच्छे से। तो चलो आप इसको कर लो एक बार पूरा, अपन चलते हैं दूसरा टॉपिक करेंगे अपना, है ना।